इंडियन गर्ल्स इंटर कॉलेज में महिला शिक्षिकाओं के साथ हो रहा है शोषण। केंद्र व प्रदेश एक तरफ जहां महिला सुरक्षा और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को बुलंद करने के लिए जोर लगा रही है, वहीं प्रयागराज के एक विद्यालय में महिलाओं के शारीरिक और मानसिक शोषण का मामला प्रकाश में आया है। शिक्षिकाओं ने अपने पर हो रहे अत्याचार को लेकर विद्यालय प्रबंधक व प्रधानाचार्य पर शारीरिक व मानसिक शोषण का आरोप लगाया है और मामले के अंतरसुइया थाने में मुकदमा दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। साथ ही जिले के आला अफसरों के अलावा मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार भी लगाई है। मिली जानकारी के अनुसार प्रयागराज के अंतरसुइया थाना क्षेत्र में इंडियन गर्ल्स इंटर कॉलेज में दर्जन भर से अधिक महिलाएं शिक्षिक में कार्य में लगी हुई हैं, जिन्होंने अपने ऊपर हो रहे अत्याचार शारीरिक मानसिक आर्थिक शोषण को लेकर विद्यालय प्रबंधक और प्रधानाचार्य के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करने की प्रार्थना पत्र दिया है। शिक्षिका अल्फा दास गुंजन ने आरोप लगाया है कि यहाँ के प्रबंधक सहदेव मुखर्जी व प्रधानाचार्य नीलम भूषण वर्ष 2014 से दर्जन भर से अधिक शिक्षिकाओं का शारीरिक और मानसिक शोषण कर रहे हैं और विरोध करने पर उन्हें धमकी तक देते हैं। शिक्षिकाओं का आरोप है कि उनकी नाजायज मांगों को पूरा ना करने पर वेतन में कटौती व धमकी दी जाती है। शिक्षिकाओं का यह भी कहना है कि यहां पर सरकार द्वारा महिलाओं के लिए निर्धारित किए अवकाश जैसे मातृत्व अवकाश चाइल्ड केयर लीव व अन्य जैसे मातृत्व अवकाश चाइल्ड केयर लीव व अन्य छुट्टियों के लिए देने वाले प्रार्थना पत्र देने पर छुट्टी देने एस की डिमांड की जाती है कार्यवाही की मांग करते हुए आज शिक्षिकाओं ने पढ़ाने से मना कर दिया है और दर्जन भर से अधिक शिक्षिकाओं ने स्कूल में कैंप्स में आकर हंगामा शुरू कर दिया है। विद्यालय प्रबंधक और प्रधानाचार्य द्वारा लंबे समय से किए जा रहे शोषण को लेकर आज इन शिक्षिकाओं ने लिखित शिकायती पत्र जिला विद्यालय निरीक्षक जिलाधिकारी संयुक्त शिक्षा निदेशक महिला आयोग उत्तर प्रदेश और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को पत्र भेज कर कार्यवाही की मांग की है। इनका कहना है कि जब तक प्रबंधक पर कार्यवाही नहीं होगी वह अध्यापन का कार्य नहीं करेंगी। पूरी तरह से मानसिक रूप से परेशान किया गया है, इतना परेशान किया गया है कि मैं मेडिकल ट्रीटमेंट पर चल रही हूँ, इतनी मेरी मेजर प्रॉब्लम है। हाँ, फ़ोन करके धमकी देते हैं, जिसमें मेरा कोई दोस्त नहीं है, सीधे कह देते हैं नेतागिरी दिखा रही हो। मैं एक बार बात करूँ, फ़ोन पे क्या धमकी देते हैं आपको? किसी की धमकी देते हैं, मैं एंटी डिप्रेशन की दवाएं लेके सो रही हूँ, जगती हूँ तो कॉल आती है, फिर इस तरह से मुझे धमकी देते हैं। आपको धमकी कौन देता है? इससे पहले भी बहुत बार धमकी दिया है, इतना धमकी दिया है कि 2011 से लेके 2018 चल रहा है, 8 सालों में कभी सुसाइड कर ली होती, पता नहीं क्यों बच जा रही हूँ। मेरा अपॉइंटमेंट में मुझे यहाँ पर सुबह रजिस्टर पकड़ा दिया गया और मुझे जल्दी बुलाया गया 15 मिनट पहले अटेंडेंस रजिस्टर टीचर्स के लिए, और मैं मुझे फिर जब सर भी जल्दी आ जाते थे, सर भी रहते थे और मुझे असेंबली में प्रबंधक, और मुझे असेंबली में भी नहीं जाने देते थे और वहीं बैठा के रखते थे अपने पास। उसके बाद कि तो मेरी तरह गोरी है, हम दोनों एक जैसे लगते हैं, फिर दूसरे टीचर से बोला कि कमर कितनी गोरी है, ये कितना गोरा है, इस तरह से अजीब अजीब शब्द का इस्तेमाल उन्होंने मेरे लिए किया। शिक्षक, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये पूरा का पूरा आरोप झूठा है, सरासर झूठा है, क्योंकि मैं यहाँ पे मैं 3 साल से प्रिंसिपल मैं खुद हूँ और यहाँ पे मैं लेक्चरर में लगभग 25 साल होने जा रहा है। आप इवन मेरा कॉलेज, चाहे मेरे क्या पहले के प्रिंसिपल हों चाहे मैं हूँ, बहुत अच्छा से चल रहा है, यहाँ कोई ऐसी शिकायतें नहीं। अगर आप बताइए, अब मैं हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन हूँ, मुझे तो पता होना चाहिए ना, मेरे बच्चों की सिक्योरिटी है, टीचरों की है, सब कुछ मैं जानती हूँ, मुझे देखना है, मेरी जिम्मेदारी है, ऐसा कुछ नहीं। सारा का सारा आरोप झूठा है, मैं कह रही हूँ सबको बेटी बहन की तरह मानते हैं वो, एक टीचर तो नहीं है, सभी तो वही तो कह रहे हैं, सभी महिलाएं, सभी महिलाएं तो कह रही हैं, सभी महिलाएं हैं, इसीलिए तो आप लोग तो खुद ही मीडिया वाले हो। आपका परिचय मैम? नीलम भूषण, प्रिंसिपल। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब